दर्द करता है, पेट फूला हुआ है, डकार आती रहती है, अन्न का पचन नहीं होता, ऐसे सिम्टम लेकर बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये पेट विकार है, उसका क्या मानसिक कनेक्शन है, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये एक लेडी मेरे पास में आई, मैं आपको बताता हूँ इनका है ना किस तरह से लोग पेशेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं आईबीएस के। इनकी उम्र है करीब करीब 30 साल की और इनको पिछले 3 साल से डिप्रेशन है, ऐसा बोल रही है। डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, उदासीनता है और इनको बार बार ऐसे बीच बीच में पैनिक अटैक आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होना, धड़कन होना, बेचैन होना, इधर से उधर ऐसा दौड़ना कि भाई कोई हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट हो जाऊँ ताकि मेरी जान बच जाए, मतलब इतनी एंग्जाइटी होती है। और उनका कहना ऐसा है कि मेरी एसिड लेवल जो है पेट की, पेट का एसिड रहता है ना एसिड सिक्रीशन, वो लो है। तो जब उसने बोला कि पेट का एसिड मेरा लो है, मुझे लगा ये ऑब्सेसिव वाला कार्यक्रम है। ऑब्सेसिव मतलब बहुत बारीक बारीक चीज़ें देखना, नेट पे जाना, सर्च करना, सब जानकारी लेना, ऐसा बहुत डिटेल में जाना, इन्वेस्टिगेट करना सब, क्योंकि ऐसा कोई लेके आता नहीं कि मेरा एसिड कम है। तो बोले मेरा एसिड कम है, खाना हजम नहीं होता है, इस वजह से बहुत बार गैस बनता है, शौच साफ नहीं होता है और छोटी छोटी बात के ऊपर फिर वो नाराज़ हो जाती है, रोना आता है, ओवर थिंकिंग है और ऑल द टाइम इनसिक्योर फील होता है। अभी 30 साल की उम्र है, लगता है कि भाई शादी होंगी नहीं होंगी, माँ बाप दूर रहते हैं या अकेली रहती है बड़े सिटी में, और बड़े सिटी में अकेले रहना और वहाँ जॉब करना, वर्क फ्रॉम होम है, अकेले फ्लैट में रहना और पेरेंट्स बहुत दूर है, वो एक बड़े सिटी में बेंगलोर में है, तो उसको लगता है कि भाई मैं अनसिक्योर हूँ और पूरी इनसिक्योरिटी भरी हुई है और उसकी वजह से फिर एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस रहता है, पेट में दर्द होता है और खाना खाने के बाद में स्पेशली क्या होता है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जो है ना, उनको खाना खाने के बाद में बहुत तकलीफ होती है, मतलब पेट फूल जाएगा और इतना ब्लोटिंग हो जाएगा कि उनको लगता है कि भाई सभी कैसी हवा निकाल डालो पूरी बाहर। ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने के बाद में होता है। फिर खाना पीना और सोने का जो है वो टाइम बहुत ही उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है और तभी भी पछता नहीं है, खाए कि बस ढकार, उल्टी जैसा लगना, पेट फूलना, ऐसा हो जाता है। और फिर ये सब जब होता है तो उनको लगता है कि भाई मैंने खुदकुशी किया तो अच्छा है, आत्महत्या के विचार आते हैं। और काफ़ी डॉक्टरों को बता दिया, कम से कम 10 हॉस्पिटल्स की उनके पास में है और पूरा गट्ठा गट्ठा ही है, सब तरह की सब जांच हो गई, सोनोग्राफी हो गई, एंडोस्कोपी सब हो गई, गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी सब तरह की हो गई, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सब हो गया, सब तरह की दवाई दिया मगर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इनको एक तो और एक प्रॉब्लम है कि दवाई से बहुत एलर्जी भी हो जाती है और फिर उनको ऐसा लगता है कि यह सब होने के बाद में अभी मेरी इम्यूनिटी पावर कम हुई है, मतलब मेरी प्रतिकार शक्ति जो है वो कम हो गई और इसलिए फिर मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो अकेले रहती है, तो एक बार काम हो गया, वर्क फ्रॉम होम है तो वैसे ही अकेली है और अकेले काम करना पड़ता है, और काम हो गया एक बार ऑफिस टाइम हो गया बाद में करना क्या, तो दिमाग में चक्कर चालू, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। मैंने बोला क्या हो गया, शादी वगैरह का प्लान तो बोले नहीं, पहला तो मेरा ब्रेकअप हुआ है और शायद उसके वजह से ही मुझे समस्या आ रही है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ में नहीं जमा, प्रॉब्लम आ गए। और फिर मैंने बोला आपको मैं थोड़ा कड़वा बोलूँ, बोले क्या, मैं बोला आपका जो ऑब्सेसिव नेचर है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम आए होंगे आपको, बोले क्या बात करें, मैं हाँ ये जो बारीक बारीक चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा सोचना और उसके वजह से फिर सामने वाले को तंग करना, बारीक बारीक चीज़ें पूछते जाएंगे तो फिर वो तंग आ जाता है, फिर वो बोलता है कि यार ये नहीं होना, बोले हो सकता है। और मैंने बोला भाई आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री, बोले हाँ फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की। तो यानी टिपिकल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, ऐसी करीब करीब पूरी हिस्ट्री है। आज हमारे देश में 10 लाख लोग हर साल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर हो रहे, हर साल नए तैयार हो रहे। 20 से 30 वर्ष के आयु में ज़्यादातर ये बीमारी होती है और उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये मालूम नहीं है, मगर इसका मानसिक कनेक्शन है। और मानसिक कनेक्शन क्यों है, क्योंकि आपको पूरी पाचन संस्था की जांच कर लो, कुछ मिलेंगे ही नहीं और तकलीफ तो है। इसमें 3 प्रकार के मेन सिम्टम है, एक है कि डायरिया हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, नंबर 2 कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, नंबर 3 दोनों मिक्स है। इसमें पेट दर्द होता है, गैसेस बहुत हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, जी मछलाता है, कभी कभी उल्टी हो जाती है, फिर स्टूल्स जो है शौच बहुत हार्ड होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, फिर कभी उंगली से निकालना पड़ता है, इतना हार्ड हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि बार बार मेरे को लैट्रिन लग गई
और जाके बैठते हैं तो लैट्रिन ही नहीं आती है, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ऐसा बार बार होते रहता है। फिर उनको लगता है कि सवेरे का टाइम जो है वो लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा है इनका, मतलब 2-3 घंटे इनका कार्यक्रम चालू रहता है कि भाई लैट्रिन एक बार साफ़ हो जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, और लैट्रिन कुछ साफ़ होती नहीं एक बार जाने से, और उनको फिर बार बार जाना पड़ता है। अब ये ज़्यादा होता कैसे है? एक तो तली हुई चीज़ें खाने से ज़्यादा होता है, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। फिर चर्बी वाली चीज़ें और डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब पनीर है, चीज़ है, दूध, इससे ज़्यादा होता है। चॉकलेट जो लोग खाते हैं और कैफीन, इससे भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी होती रहती है, स्पेशली तली हुई चीज़ें और ज़्यादा ऑयली चीज़ें। मतलब देखो ऑयली चीज़ें खा लेगी उनको हो जाता है IBS। अब इसके लिए क्या टिप्स है? तो टिप्स इसके लिए ऐसी है कि भाई मतलब अच्छा कैसे करना है। तो नंबर एक, आपने बाहर का खाना अवॉइड करो, होटल का खाना, घर का खाना कम तेल वाला, कम तला हुआ। और आप एक डायरी मेंटेन करो कि भाई कौन सी चीज़ खाने से मुझे तकलीफ होती है, वो अवॉइड कर देना है, सिंपल ना। और ताज़ा खाना खाने का है, ताज़े फल, ताज़ी सब्जी से ताज़ा खाना है। तली हुई चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करना है, तेल की चीज़ें अवॉइड करना है। नेक्स्ट, बहुत ही रिलैक्स रहना है, और ये बहुत सबसे कठिन काम है। स्ट्रेस से ये बहुत बीमारी बढ़ जाती है, तनाव से बढ़ जाती है, तो रिलैक्स खुद को रखना है। इसके लिए मेडिटेशन करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, सेल्फ हिप्नोसिस से बहुत फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, फास्टिंग बीच बीच में करना है। लोगों को मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई आप 16 घंटे का फास्ट करो, 16 आवर्स, मतलब एक बार खाना खाए कि 16 घंटे कुछ भी नहीं खाने का, सिर्फ पानी पीने का है, तो बहुत फर्क पड़ता है इनको। वाटर, पानी है ना, बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो उससे भी अच्छा फर्क पड़ता है। तो ये सब टिप्स है पेट विकार की, पेट विकार अच्छा करने की, और ये सब करते हैं स्पेशली रिलैक्सेशन तो बहुत फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ मैं मेडिकेशन देता हूँ, मेडिकेशन हम देते हैं एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशंस, और वो जो क्रैम्स आते हैं ना, पेट दर्द जो होता है और ऐसा मरोड़ के आता है पेट कभी कभी इनको, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो पेन कम करने की, आंत जो है पेट की उसको रिलैक्स करने की दवाई हम देते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अभी नई नई बहुत सारी दवाई आई हुई है, वो दवाई का इस्तेमाल जब करते हैं तो इनको बहुत फर्क पड़ता है। वैसा ये ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि भाई ये दवाई दिया तो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। मगर अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है इरिटेबल बॉयल के, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम वालों के, जिसमें मेरा नाम है, वो आपस में चर्चा करते हैं और वो चर्चा करके फिर मेरे पास में आते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। अभी बीच में ही 4 लोग अलग अलग राज्यों से एक साथ मेरे पास में आए और उनको सेम प्रॉब्लम था, सेम IBS, सेम तकलीफ है, वो यहाँ रहे पूरा 11 दिन यहाँ रहे, मैंने जैसा बोला वैसा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज किया, मैंने उनको काउंसिलिंग किया, दवाई दिया, और हम इंट्रावेनस थेरेपी हमने स्पेशली डिज़ाइन की हुई है वो हम देते हैं रिलैक्सेशन की, तो वो दिया और उनको बहुत फ़र्क पड़ा। मैं उनको ये भी बताता हूँ काउंसिलिंग में कि भाई आप है ना जितना रेजिस्ट करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इरिटेबल बॉयल नहीं होना चाहिए, मतलब ये तकलीफ नहीं होना चाहिए, उतना ज़्यादा वो परसिस्ट होता है। वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, तो उसका स्वीकार करो, ठीक है भाई है ना ये प्रॉब्लम। बहुत लोग है कि जिनको पैर नहीं, बहुत लोगों को हाथ नहीं, बहुत लोगों को दिखता नहीं, अंधे है, भाई अपना तो पेट का ही प्रॉब्लम है ना, चलो एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि इतना ये रेजिस्ट करते हैं, एक तो ये क्या ऑब्सेसिव रहते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बार 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 वही नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, अभी क्या ये दर्द कर रहा, अभी क्या उधर दर्द कर रहा, अभी क्या ढकार आ रही, अभी क्या लैट्रिन साफ नहीं, अभी तो मतलब वो ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड है पेट विकार से। मतलब वो अपना एक दोस्त है, चलो एक मतलब दोस्त बोले तो मतलब एक अपना कलीग है, तकलीफ दे रहा है, पास में बैठा हुआ, ठीक है स्वीकार करो और आप काम में लग जाओ, आप आपका गोल पक्का करो, मुझे करना क्या है, बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, बड़ा गोल्स क्रिएट करो। जब आप बड़े प्रॉब्लम्स बड़े गोल्स क्रिएट करेंगे उसके पीछे दौड़ना चालू करेंगे तो ये छोटा प्रॉब्लम निकल जाएगा। ये काउंसलिंग से लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होता है। आप आपके काउंसलर से बात कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं और ये कर सकते हैं इलाज। हमारे यहाँ ऑनलाइन भी कंसल्टेशन होता है, आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करके वीडियो कॉल्स ऑडियो कॉल्स करके दवाई मंगा सकते हैं या फिर यहाँ आ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर केवेकर लाइफ कोच, वो चैनल में आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।